नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 12 आरबीएससी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अभी चैप्टर 4 यानी कि डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक में मैंने जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके प्रश्नों को हल करना शुरू किया था पिछली वीडियो में, जो नंबर 10 था इस चैप्टर का। आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 11 है और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहले तो मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 2018 का। एक्चुअली बोर्ड एग्ज़ाम ये पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का और ये 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी प्रॉब्लम है। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि ये जो एक सारणिक है डिटर्मिनेंट 3x3 की, जिसमें फर्स्ट रो में x प्लस 4 2x और 2x, सेकंड रो में 2x x प्लस 4 और 2x, थर्ड रो में 2x 2x और x प्लस 4 आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है एक्चुअली। तो हम जो डिटरमिनेंट्स के जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो गुणधर्म है, उसको यूज़ करके ये काम करेंगे। तो हमने लिख दिया पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS, ये एज इट इज़ सारा लिख दिया हमने यूँ क्यों। अब जरा विचार कीजिए आप कि हमें 5x प्लस 4 लेके आना है और x माइनस 4 भी लेके आना है। सबसे पहले ये 5x प्लस 4 कैसे आएगा, तो आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहली रो है इसमें अगर मैं ये सारे जो एलिमेंट्स इनको ऐड कर लूँ तो 2x 2x 4x और 1 5x और 4 5x प्लस 4 आ रहा है। अगर सेकेंड रो के एलिमेंट्स को मैं ऐड करूं तो अभी 2 और 1 3 और 2 5x प्लस 4, यहाँ भी करूं 2 2 4 1 5x प्लस 4, यानी 5x प्लस 4 बन रहा है। ठीक है ना, कैसे हुआ ये? अगर मैं कहूं ये जो पहला कॉलम है इट इज़ फर्स्ट कॉलम, इट इज़ सेकेंड कॉलम, इट इज़ थर्ड कॉलम, अगर मैं पहले कॉलम में इन दो कॉलम को जोड़ दूँ, ध्यान दीजिएगा इस रो के जो तीन एलिमेंट्स इनको जोड़ना है, मतलब कि फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो कॉलम की जोड़ को जोड़ना है। हम क्या करेंगे कि ये जो पहला कॉलम है इसकी जगह पर इन दोनों की इन तीनों कॉलम की जोड़ को लिख देंगे। तो मैंने पहले लिख दिया LHS और अब मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझको 5x प्लस 4 लेके आना है तो कॉमन आना ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे, हम कॉलम 1 में कॉलम 2 और 3 जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये नेचुरली पक्की बात है ना, ये एक्स 2x 2x तो 5x हो गया प्लस 4 है। अब इसके अंदर देखो 2x x 3x 2 5x प्लस 4 इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा 5x प्लस 4, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम पे हमने कुछ नहीं किया तो वो एज इट इज रहेगा 2x x प्लस 4 2x 2x 2x। अच्छा, यहाँ एक बात मुझे आपको बतानी ज़रूरी है कि कोई आवश्यक नहीं है कि हम जिस मेथड से कर रहे हैं वही एक मेथड हो सकता है कि कुछ और मेथड्स भी हों, रिजल्ट अल्टीमेटली वो आना है। हो सकता है कि मेरे मेथड से आसान मेथड आपको मिल जाए या कठिन मिल जाए, घुमा फिरा के बात वहीं पर आनी है। अब जितना जल्दी आप ला पाएंगे उतना अच्छा है। अभी चूँकि हम बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज में, शुरुआत की जो स्टेज में हैं, तो हम एकदम से तेज़ी से काम नहीं कर सकते, वरना हम चाहे तो दो तीन स्टेप को एक साथ लिखा जो लिख सकते हैं जल्दी। मैं तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो इसलिए समय लगेगा। तो अभी हमने क्या किया कि C1 की जगह पे, देखिए C1 की जगह पर मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको समझाई थी पहले। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये 5x प्लस 4 इस पहले कॉलम में हर जगह आ रहा है, तो मैं इस 5x प्लस 4 को कॉमन ले सकता हूँ। ये ना 5x प्लस 4, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन लेते हैं इस फर्स्ट कॉलम में से 5x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा
इस फर्स्ट कॉलम में से कॉमन ले रहा हूँ मैं 5x+4। जो कॉमन लेंगे तो इसको भाग लगाएंगे तो सब जगह 1 1 1 आ जाएगा, और ये 2x 2x, ये x+4 और ये 2x, और ये 2x और x+4। ये कैसे आया था कि मैंने फर्स्ट कॉलम में से ही कॉमन लिया था। लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग 5x+4 कॉमन फ्रॉम कॉलम वन। हमने कॉलम वन में से इसको कॉमन लिया। अच्छा अब ये देखिए 3 1 आ गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब किसी रो या कॉलम में 3 1 आ जाएँ, 1 1 1, तो वो बहुत ही आसान स्थिति बन जाती है, क्योंकि 1 -1 0 होता है, 1 -1 0 होता है। अगर मैं इस रो में से इस रो को घटाऊँ तो 1 -1 घट जाएगा, फिर सेकंड रो में से सर घटाऊँ 0 आ जाएगा, और जैसे ही किसी रो या कॉलम में 2 0 आते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे अब कि ये जो हमें मुझे यहाँ 0 लेके आना ना, तो मुझे इस रो में से ये जो है ना फर्स्ट रो, इसमें से सेकंड रो घटानी है, यानी कि सेकंड रो की सहायता से मैं फर्स्ट रो को घटा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 5x+4। अब देखिए मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ कि मैं ये जो रो वन है R1, इसकी जगह पर एरो लगा देते थे, R1 की जगह पर R1 -R2 कर देता हूँ। यानी मैंने R2 को चेंज नहीं किया है, चेंज तो मैंने R1 को किया है, R2 की हेल्प ली है। इसका मतलब अभी R2 में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं R2 में भी चेंज कर सकता हूँ इसी स्टेप के अंदर, R2 की जगह R2 -R3। मैं R3 का सपोर्ट लूँगा और R2 को चेंज कर दूँगा। अब देखिए इस रो में से ये रो घटाएँगे तो 1 में से 1 गए तो 0। अब 2x में से घटाएंगे x+4, तो ये देखिएगा जब घटाते हैं तो माइनस हो जाता है ना, तो 2x -x -4, तो 2x में से x घट के आ जाएगा x और वो -4, और ये 2x - 2x 0 हो गया। यहाँ से 1 - 1 0 हो गया। फिर x+4 में से 2x घटाएंगे, इस बार ये 2x माइनस का होगा, तो x+4 - 2x यानी कि -x+4। और फिर 2x में से x+4 घटाएंगे, इस बार ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 2x - x x और +4 का माइनस हो जाएगा -4। अच्छा अभी हमने थर्ड रो को कोई चेंज नहीं किया है, हमने तो थर्ड रो का सहारा लिया था, तो थर्ड रो तो कुछ चेंज हुई नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी 1 2x x+4। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कैसे क्या करना है। ध्यान से देखिएगा, हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें यहाँ x-4 का होल स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि x-4 दो बार कॉमन निकलना चाहिए, निकल रहा है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये रो की बात करूँ पहली रो, तो इसमें x-4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इस रो में अगर देखूँ तो x-4 यहाँ तो आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, पर यहाँ -x+4 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x-4 हो जाएगा, फिर ये x-4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही काम हम करने जा रहे हैं, इजिकल टू 5x+4। अब देखिएगा x-4 और 0, ये सॉरी 0 x-4 एंड 0, फिर 0 मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, x-4 एंड x-4, और उधर है 1 2x x+4, 1 2x 1 2x x+4। अभी मैंने कोई विशेष काम नहीं किया, केवल यहाँ पे जो -x+4 था ना, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, उसको लिखा x-4, मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, मैंने कोई भी संक्रिया नहीं की। हाँ अब करूँगा,
अब मैं जो पहली रो है उसमें से x माइनस चार कॉमन आता है। देखिए जीरो जीरो तो जीरो में सबको भाग जाता है अगर कोई जीरो नहीं है तो, और x माइनस चार जीरो नहीं है हम कह रहे हैं। इसी तरह से इस रो में भी x माइनस चार कॉमन आ सकता है क्योंकि जीरो में तो किसी का भाग जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया ये 5x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 4। ये x माइनस 4 कॉमन लिया मैंने फर्स्ट रो में से और ये x माइनस 4 कॉमन लिया मैंने सेकेंड रो में से, क्या बचेगा? जीरो, ये गया x माइनस 4 तो 1 और 0, फिर 0, फिर ये माइनस 1 और ये 1 और 1 टू एक्स और x प्लस 4। अब आप क्या करें कि लिखना पड़ेगा ये कि आपने क्या किया था। तो देखेंगे टेकिंग x माइनस 4 कॉमन फ्रॉम आर वन एंड आर टू, ऐसा किया था मैंने। अब आप देखेंगे अपना काम हो गया, 5x प्लस 4 तो है ही और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर होता ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया बिकॉज मैं इसको ओपन कर रहा हूँ या इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ किसकी हेल्प से। मैं चाहूँ तो इसको फर्स्ट रो से कर सकता हूँ कि इसमें दो जीरो आ रहे हैं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट कॉलम से कर सकता हूँ इसमें भी दो जीरो आ रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम से कर देते हैं। तो जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे ना तो पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 प्लस 1 2 होता है जो कि इवन है तो प्लस में आएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का मतलब लिखना जरूरी, इवन लिख दिया मैंने। अब आएगी डिटरमिनेंट, हम लिखेंगे इसका माइनर। तो ये जो 1 है ये किस रो में है? थर्ड। किस कॉलम में है? फर्स्ट। छिपा दिया तो 1 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 1। अब ये 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अब देखिएगा हम खोलेंगे इसको, 1 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और ये माइनस 1 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 1 माइनस 0। अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा ना, और इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी को वापस वही आएगा। तो ये 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यही इसका राइट हैंड साइड है, हेंस रो, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है। हमने जो सवाल की शुरुआत की थी ना वो इस लेफ्ट हैंड साइड से की थी, और ये राइट हैंड साइड था जो हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं आज का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैंने लिया है 2016 के पेपर से, आपके आरबीएससी में 2016 का जो क्वेश्चन पेपर था ना उसका ये क्वेश्चन है। और उसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक डिटरमिनेंट है ए ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी सी स्क्वायर ए प्लस बी। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमको प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू ए बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है? कैसे करें भाई, तो लेते हैं पहले तो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है ये ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें जो लेके आना है उसमें ए प्लस बी प्लस सी आ रहा पहले तो। अब हम कल्पना करते हैं क्या हम a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हैं क्या। तो आप अगर देखें ध्यान से तो फर्स्ट रो में सॉरी ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें a b c आ रहे हैं, यहाँ b प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी, यानी अगर मैं इस फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड कर दूं तो ये a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। अब सी ए बी जोड़ो चाहे बी सी ए जोड़ो चाहे ए बी सी जोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना इन द सम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम वही करने जा रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, क्या
कि मैं C1 की जगह पे C1 प्लस C3 ले रहा हूँ। जैसे मैं इस कॉलम के अंदर, जैसे मैं इस कॉलम में ये कॉलम जोड़ूंगा, तो इस पूरे कॉलम में A प्लस B प्लस C आ जाएगा। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इस तरह से। तो इस फर्स्ट कॉलम में हर एलिमेंट A प्लस B प्लस C आ गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। और सेकंड कॉलम तो वही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अच्छा, आपने जो काम किया है ना, वो लिखना ज़रूरी है। आपने क्या किया था कि C1 की जगह पर आपने C1 प्लस C3 किया। ये ऑपरेशन है, ये संक्रिया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पहला जो कॉलम है जिसमें हर एक में A प्लस बी प्लस सी आ रहा, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने A प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अच्छा, जिस पे हम ऑपरेशन करते हैं, जो बाहर निकलता है, जो संशोधित होता है, जिसको हम चेंज करते हैं, उसके अलावा बाकी को लिखना होता है एज इट इज़। अच्छा, ये कैसे आया कि आपने ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया। लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ये लिखना ज़रूरी है। और जैसे ही किसी रो या कॉलम में 1 1 1 आता है, तो आप बिल्कुल आनंदित हो जाइए, जैसे कोई आपको घड़ा हुआ धन मिल गया हो। क्योंकि जैसे मैं इस 1 में से 1 घटाऊँगा 0, 1 में से 1 घटाऊँगा 0, और साथ साथ में ए स्क्वायर से बी स्क्वायर घटेगा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आएगा। देखिए, यहाँ हमें ए माइनस बी लेके आना ना, यहाँ पे काम आ जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से बराबर, ये चौथा पेज है, वीडियो 11 का पेज नंबर 4 है, तारीख आज 6 है 6 9 20। और देखिए, मैं इस, मुझे यहाँ 0 लाना, तो मैं इस पहली रो में से दूसरी रो घटाऊँगा। ये R1 है ना, R1 में से R2 घटाएंगे, और R2 में से R3 घटाएंगे। तो जैसे ही मैं इसमें से घटाऊँगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा था पहले, वो A प्लस बी प्लस सी। देखिएगा, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 आ गया। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए, मैं जब इसमें से ये घटाऊँगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर जब बी प्लस सी से सी प्लस ए घटाऊँगा, तो जिसको घटाते हैं उसके साइन चेंज होते हैं, तो ये सी और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, तो सी सी कट जाएगा, तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए। लेकिन उसको लिखूँगा मैं क्या, ए माइनस बी, और बार ब्रैकेट में बार माइनस लगा दूंगा। कितना आसान काम हो गया, था तो बी माइनस ए, पर मैंने इसको माइनस कॉमन लेके लिखा ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मिलने वाला है, तो मैं ए माइनस बी कॉमन ले लूँगा। सिमिलरली देखिए, यहाँ पे आर टू में से आर सी कटाएंगे, तो 1 माइनस 1 0। फिर होता बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर देखिए जैसे मैं सी प्लस ए से ए प्लस बी कटाऊँगा, तो ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, तो सी प्लस ए माइनस बी, तो सी माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे फिर वही बी माइनस सी, और यहाँ कॉमन ले लूँगा बस। अब जो तीसरी रो है 1 c² ए प्लस बी को, तो वही रहेगी सेम 1 c² ए प्लस बी, उसमें चेंज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी। अब वैसे तो मुझको
ऐसे करना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या लिखना चाहिए बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, लेकिन जगह कम दिख रही है मेरे को तो मैं लिखूंगा नहीं, मान लूंगा इसमें ये कॉमन है, और यहाँ ए माइनस बी हमको बाहर दिख रहा पहले से, तो मैं ए माइनस बी इस फर्स्ट रो में से कॉमन ले रहा हूँ। ये लीजिए मैंने ले लिया ए माइनस बी, और इस तरह से यहाँ पर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी आएगा, ये बी माइनस सी है और जीरो में सबको भाग जाता है, तो सेकंड रो से मैंने बी माइनस सी कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो में से ए माइनस बी और सेकंड रो में से बी माइनस सी, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा थर्ड में से, तो क्या बचेगा देखिए ज़ीरो। जब मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी कॉमन लिया तो ए प्लस बी बचना चाहिए ना, और वहाँ मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो माइनस का वन, फिर ज़ीरो, बी माइनस सी कॉमन लिया तो बी प्लस सी बच गया और वो माइनस का वन, फिर वन सी स्क्वायर ए प्लस बी। अच्छा एक यहाँ मुझे लिखना था, ये कैसे आया था कि मैंने आर वन की जगह किया था आर वन माइनस आर टू, और आर टू की जगह लिखा था मैंने आर टू माइनस आर थ्री को, और ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि मैंने आर वन में से ए माइनस बी कॉमन लिया और आर टू में से बी माइनस सी कॉमन लिया, तो टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन आर वन में से ए माइनस बी एंड आर टू में से बी माइनस सी, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम आर वन एंड आर टू, यानी कि रो वन और रो टू से क्रमशः ए माइनस बी और बी माइनस सी को कॉमन लेने पर। अब जब ये दो जीरो आ गया तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो बहुत आसान काम हो गया, लेकिन ये दिल मांगे मोर वाली जो बात है उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको। हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर मैं एक और बात ध्यान रखना है कि जो जीरो आपके आ गया ना वो हटने नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत से जीरो लेके आए हैं, और अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर देंगे कि इसमें ये जोड़ दूंगा तो वन जुड़ के वन हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, हाँ जीरो में जीरो जोड़ सकता हूँ जीरो रहेगा, मुझको पता है कि ए माइनस बी आ गया है बी माइनस सी आ गया है, लेकिन अभी भी ये सी माइनस सी आना बाकी है, तो क्या करेंगे भाई, अगर मैं ये सेकंड रो में से, ये ना सेकंड रो, इसमें से पहली रो घटा दूँ तो बी प्लस सी और उसको घटाऊँगा तो ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, जिसको घटाते हैं ना उसके साइन चेंज होते हैं, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो बी माइनस बी कट जाएगा और ये सी माइनस ए रह जाएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आर टू की जगह आर टू माइनस आर वन, तो ये ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी। अब मैं आर टू में से आर वन घटा रहा हूँ, तो किसको घटा रहा हूँ, आर वन को, किसके लिए, आर टू के लिए, तो जिस लाइन पे ऑपरेशन करते हैं चेंज वही होती है, तो ये आर टू में से आर वन घटाएंगे तो आर टू ही चेंज होगी, आर वन चेंज नहीं होगा और आर थ्री चेंज नहीं होगा, तो आर वन लिख लें ज़ीरो ए प्लस बी और माइनस वन, और आर टू में से आर वन घटाया तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, और बी प्लस सी से ए प्लस बी घटाएंगे तो आएगा ये सी माइनस ए, और माइनस वन से माइनस वन घटाएंगे तो आएगा ज़ीरो, फिर ये आएगा वन सी स्क्वायर ए प्लस बी। यहाँ लिख दें आप कि आपने आर टू की जगह पर आर टू माइनस आर वन किया है। अब आप इसको एक्सपांड कर दें तो एक्सपांडिंग अलोंग सी वन, क्योंकि इसमें दो जीरो आ रहे हैं ना, हम चाहे तो सेकंड रो से भी निकाल सकते थे इसको इससे, लेकिन ये ठीक लग रहा है इससे कर लेते हैं, क्या आ जाएगा बराबर ए माइनस बी। अच्छा इसके पहले एक काम करते हैं, सॉरी ये सी माइनस ए कॉमन लेंगे सेकंड रो में से, क्योंकि जीरो जीरो सी माइनस ए, जैसे सी माइनस ए कॉमन लूँगा तो ये वन आ जाएगा, तो ए माइनस बी सॉरी ये ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी बी माइनस सी
सी माने से अब क्या बचा, ज़ीरो ए प्लस बी और माइनस वन, तो ज़ीरो वन और ज़ीरो, वन सी स्क्वायर ए प्लस बी। और यहाँ लिख दें कि टेकिंग सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम रो टू यानी आर टू, बस अब तो हो गया। अब जैसे मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करूँगा तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस तो वन ही रहेगा, और वन जिस रो में जिस कॉलम में उसको अगर करें भूल जाएँ तो ये बचेगा बस। तो ए माइनस ए प्लस बी इंटू जीरो क्या होता है, ज़ीरो, और वन इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस वन। तो जीरो में से घटाएंगे माइनस वन को, तो माइनस वन का प्लस वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन हो जाएगा, तो बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और जब एक्सपांड करेंगे इसको फर्स्ट कॉलम से प्लस माइनस प्लस, तो वन इंटू जब करेंगे तो ये ज़ीरो, और माइनस वन का माइनस करेंगे तो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा। तो लिख दें यहाँ पे एक्सपांडिंग एलोंग सी वन, हमने कॉलम वन के अलॉन्ग इसको एक्सपांड किया, बस अब तो ये जीरो प्लस वन तो वन ही होता है, और ये वन इंटू करेंगे तो वन ही रहेगा, और वन से गुणा करेंगे किसी को वापस वही आएगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, विच इज राइट हैंड साइड। ये देखिएगा यही था अब ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो ये कहेंगे ये राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको मेरा, अच्छा लगा होगा ना? अगर अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत से लाइक कर दें, लाइक करना तो भूलना ही नहीं आपको। और जितने आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके साथ पढ़ने वाले किसी और स्कूल के फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, तो उनको भेजिए आप, उनको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छी चीज़ मिलती है तो किसको नुकसान होता है। तो ये काम आप ज़रूर करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जो कि नाम है इसका मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास, इसको आप सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत लाभ होगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।